हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूँ। देखिए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के है कि कैसे हम सेल्स रिटर्न में कौन सी एंट्री पास करें और परचेज रिटर्न में कौन सी एंट्री पास करें। तो देखिए, सेल्स रिटर्न बताऊँगा। देखिए, सेल्स रिटर्न को ही आप एंट्री पास करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में। जो सेल्स रिटर्न वाली एंट्री है उसको आप क्रेडिट नोट वाउचर में पास करेंगे। कैसे पास करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ये आ गया मैं बाहर। अब यहाँ पर चलते हैं वाउचर में, सेल्स वाउचर में एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेज़र मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पर एंटर 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 प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर एंटर करिए, फिर यहाँ सेल्स अकाउंट का लेज़र लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमारे पास अवेलेबल है 663 स्टॉक कीबोर्ड के अवेलेबल है। ठीक है, तो हम 663 स्टॉक सेल कर देते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड यहाँ किया और यहाँ पर 663 स्टॉक हम सेल नहीं कर रहे हैं, एक स्टॉक हम 780 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल कर दिया हमने। यहाँ पर आप चाहे तो जीएसटी भी अप्लाई कर सकते हैं, सीजीएसटी लगा दिया, फिर यहाँ पे एसजीएसटी भी लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया, कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं एक्सेप्ट कराने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी इनमें से कुछ आइटम्स खराब निकल गए। 663 हमारे पास हमने सेल किए थे, अब 663 में से कुछ आइटम खराब निकलेंगे, तो जो रिप्लेसमेंट होगी उसकी एंट्री हम पास करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में। क्रेडिट नोट वाउचर में चलते हैं, यहाँ से F10 प्रेस कर लीजिए और F10 प्रेस करने के बाद आपको आना है क्रेडिट नोट में। Alt F6 भी आप प्रेस कर सकते हैं। आ गए, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, डेटर पार्टी का लेजर लगा लीजिए, ये लगा लिया, एंटर प्रेस कीजिए। अगर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर लगाइए। 663 कीबोर्ड में से कितने की वापसी हो रही है, अभी आपके पास जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि 663 तो हमने बेच दिया, तो बेचने के बाद हमारे पास जीरो ही तो बचेगा, तो ये हो गया जीरो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न कितना कर रहे हैं, 600 रिटर्न कर दे रहे हैं। 63 वो सही है, 600 खराब है, तो ये हो गया। बाकी जो जीएसटी आपने अप्लाई किया था वो कर दीजिए, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो ये सीजीएसटी हो गया और ये एसजीएसटी हो गया। कंट्रोल करके एक्सेप्ट कराया, यहाँ पर आया अगेंस्ट रेफरेंस, कर्सर अपने आप देखिए जीएसटी रेफरेंस पे आ गया अगेंस्ट रेफरेंस, बिल नंबर अपने आप दिख रहा है, सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। एंटर प्रेस किया, ये एंट्री हुई कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आते हैं और जाएंगे कहाँ, स्टॉक समरी पर, तो एस प्रेस कर लीजिए। आ गए, कीबोर्ड की बात की थी हमने, तो हम कीबोर्ड ही ले लेते हैं, तो ये कीबोर्ड है। तो आप देख लीजिए कुल मिलाकर के क्या स्थिति बन रही है, आपके पास कितना बच रहा है। अब रिटर्न आपने 600 कर दिया है, देख सकते हैं ये 600 आपने रिटर्न किया है। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा हुआ है, 63 बचा हुआ है, तो ये है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना, ओके।